हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों आज की वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप रेस्टोरेंट डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रहे हो इन अ क्रूज लाइन तो आपकी सैलरी कितनी होगी। चाहे आप एज अ रेस्टोरेंट स्टीवर्ड ज्वाइन कर रहे हो या बुफे स्टीवर्ड ज्वाइन किया आपने, असिस्टेंट वेटर ज्वाइन कर रहे हो या वेटर ज्वाइन कर रहे हो, इन फ्यूचर आप रेस्टोरेंट मैनेजर बन जाते हो या फिर आप F&B डायरेक्टर, तो कितनी सैलरी होगी, टिप्स किस किस को मिलता है इस डी, क्योंकि कौन कौन से पोजीशन पे मिलता है, ये सब बताऊंगा मैं। दोस्तों उससे पहले बता दूं कि मेरा नाम अरुण है और मैं होटल मैनेजमेंट क्रूज जॉब से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। और मेरा चैनल आप पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों सबसे पहला जो पोजीशन है स्क्रैच लेवल का, बेस लेवल का पोजीशन है, उसको रेस्टोरेंट स्टीवर्ड बोलते हैं या फिर आप बुफे स्टीवर्ड कह सकते हो। इनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि बुफे में काम करना हो गया या फिर या तो क्रू मैस में हो गया, स्टाफ मैस में हो गया, या फिर अगर बुफे रेस्टोरेंट है उसी में काम करोगे, मेन डाइनिंग में आप नहीं कर सकते अगर आप बुफे स्टीवर्ड ज्वाइन किया है तो। इनकी सैलरी 700 से लेके $1,000 के बीच होती है। दोस्तों नेक्स्ट पोजीशन आता है असिस्टेंट वेटर, और अब कई जगह कई कंपनी कहती है जूनियर वेटर। इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बेसिकली बैक वेटर का काम होता है, इनका जो पोजीशन है उसके हिसाब से। तो ये वेटर को सपोर्ट करते हैं, अगर आप मेन डाइनिंग में काम कर रहे हो तो आप वेटर और आप असिस्टेंट वेटर हो तो दोनों टुगेदर काम करोगे, आप अकेले काम नहीं कर सकते, उसी हिसाब से आपकी ड्यूटी लगती है। असिस्टेंट वेटर और बैक वेटर की सैलरी होती है वो होता है $1,200 से लेके $1,800 के बीच होती है। उसके बाद दोस्तों मैं बताऊंगा वेटर की सैलरी कितनी होती है। देखो वेटर की सैलरी होती है अराउंड $1,700 से लेकर $2,500 to $2,800 के बीच होता है, ठीक है। अगर आप एक नॉर्मल डाइनिंग रेस्टोरेंट में कर रहे हो तो $1,700-$1,800 आपका मिनिमम सैलरी होगा। मैक्सिमम अगर आप किसी स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में कर रहे हो तो $2,500 हो सकता है, $2,800 मंथ का आ सकता है आपका। इसका ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं एक पहले वीडियो में बता रखा है तो आप उसको चेक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों बताऊंगा असिस्टेंट मैत्रे दी। दोस्तों असिस्टेंट मैत्रे दी का सैलरी $2,500 से लेकर $3,500 के बीच होती है, ये भी एक सुपरवाइजर लेवल का पोजीशन है। उसके बाद दोस्तों मैं बताऊंगा मैत्रे दी का जो सैलरी आता है होता है वो $3,500 से लेकर $5,000 के बीच होता है, ठीक है। एंड उनका जो मैत्रे दी एक रेस्टोरेंट एक आउटलेट का सुपरवाइजर होता है, ठीक है, मेन डाइनिंग एरिया हो गया उनका जो ये इंचार्ज होता है। उसका दोस्तों रेस्टोरेंट मैनेजर की बात करूँगा, रेस्टोरेंट मैनेजर को जितने होते हैं असिस्टेंट मैत्रे दी ये सब रिपोर्ट करते हैं रेस्टोरेंट मैनेजर को, और बाकी जो असिस्टेंट वेटर हो गया रेस्टोरेंट स्टीवर्ड हो गया ये सब ऐसे रिपोर्ट करते हैं मैत्रे दी को। रेस्टोरेंट मैनेजर की सैलरी जो होते हैं दोस्तों $4,000 से लेकर $7,000 के बीच होती है। मैत्रे दी जो होता है आउटलेट रेस्टोरेंट का मैत्रे दी होता है वो रिपोर्ट करता है रेस्टोरेंट मैनेजर को, रेस्टोरेंट मैनेजर रिपोर्ट करता है हमेशा F&B डायरेक्टर को। उसका दोस्तों बताऊंगा F&B डायरेक्टर देखो ऑल ओवर फूड एंड बेवरेज इंचार्ज होता है, जितने शिप पे क्रूज पे जितने भी डिप आउटलेट है चाहे वो रेस्टोरेंट का हो या बार का हो, सबका इंचार्ज F&B डायरेक्टर होता है। हर कोई चाहे वो बार मैनेजर हो या F&B मैनेजर फूड एंड बेवरेज मैनेजर हो वो F&B डायरेक्टर को रिपोर्ट करता है। इनकी जो सैलरी होती है $5,000 से लेकर $8,000 to $9,000 के बीच आते हैं इनकी सैलरी। उसका दोस्तों मैं बताऊंगा टिप्स कितना आता है इनको, मतलब कौन कौन से पोजीशन पे टिप्स आता है। देखो टिप्स मैं पहले ही बता चुका हूँ इस डिपार्टमेंट के बारे में, फिर भी बता देता हूँ एक बार। टिप्स देखो अगर रेस्टोरेंट स्टीवर्ड हो या बुफे स्टीवर्ड तो आप सपोज करो कि आपका टिप्स नहीं मिलेगा, कैश टिप्स सेंट्रलाइज टिप थोड़ा बहुत आ जाएगा तो आ जाएगा। बाकी जो कैश टिप की बात करूँ तो असिस्टेंट वेटर और वेटर जी मेन होता है जो बेसिकली मेन डील करता है गेस्ट के साथ, तो मोस्ट ऑफ द कैश टिप जाता है इनका वेटर को या असिस्टेंट वेटर को ही जाता है, बाकी किसी भी पोजीशन पे कैश टिप नहीं जाता है गेस्ट, क्योंकि आप गेस्ट के साथ अगर आप असिस्टेंट मैत्रे दी हो तो आप गेस्ट के साथ बात करोगे वो डील करोगे वो उतना नहीं करोगे जितना आपका फ्रेंडली होता है वेटर या असिस्टेंट वेटर, तो मोस्टली टिप्स जो मिलता है असिस्टेंट वेटर और वेटर को मिलता है। दोस्तों ये मैं बताया रेस्टोरेंट डिपार्टमेंट की सैलरी कितने होते हैं अकॉर्डिंग टू दियर पोस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ लवली डे।